Hey, what's up family? It's Shazib here and welcome back to the channel. तो आज है जी मंडे और अभी चलते हैं फिलहाल कॉलेज. सुबह के 10:30 हो गए, क्लास शुरू हो गई है लगभग, मतलब 10 मिनट रह गए. जल्दी जल्दी चलते हैं और आज कॉलेज के बाद 2-4 काम है अपने, बहुत ज़रूरी काम है. जैसे कि हमें पहले जाना है कॉलेज के बाद RTO, ठीक है, संग्रामा में पड़ता है, तो RTO पे जाना है. वहाँ पे थोड़ा लाइसेंस के रिलेटेड काम है थोड़ा बहुत, वो बहुत ज़रूरी है तो वो भी निपटाना है. उसके बाद थोड़े और काम है, देखते हैं धीरे धीरे क्या सीन रहेगा. तो अभी फिलहाल चलते हैं, लेट हो गया काफ़ी, मौसम थोड़ा बहुत ख़राब है, कल रात बारिश पड़ी थी, बट सामने से ये देख लो तो हल्का हल्का मौसम भी ठीक है, मतलब कुछ कुछ जगह पे कुछ कुछ जगह बादल है. जो भी है फिलहाल चलते हैं जल्दी जल्दी, दोस्त लोग वेट कर रहे हैं, कॉलेज पहुँचते हैं फिर मिलते हैं आपसे. ये देख लो भाई, वहाँ से बिल्कुल मौसम ख़राब और यहाँ से ठीक, पता नहीं यहाँ से कैसी ना, यहाँ से भी सेम बादल और बीच में मौसम ठीक. फिलहाल चलते हैं जल्दी जल्दी, लेट हो गया भाई. यस मैम, हां ब्रैकेट हो या वो आप देख लीजिए, प्रेसिडेंस का छोड़ लेते हैं ठीक है. बस आई एम स्टेपिंग डाउन टुडे. हां आई एम स्टेपिंग डाउन टुडे. और भी है ना, सो अभी क्लासेस वगैरह देख के आ गए और यहाँ पर फिलहाल चल रहा है फोक थिएटर फेस्टिवल, तो फिलहाल ये इंजॉय कर रहे हैं. फिलहाल थोड़ा सा ये ट्रेडिशन वगैरह का दिखा रहे हैं, कश्मीर का पुराना जो होता था फोक कल्चर कैसा था वो दिखाते हैं आपको, ठीक है, बड़ा मज़ा आने वाला है. Yeah.
हाँ जी, तो फिलहाल अभी प्रोग्राम वगैरह ख़त्म हो गया, जो भी था वहाँ पे बड़ा मज़ा आया। बाकी अभी हमारे यहाँ पे राशिद के साथ आया हूँ मैं, ये पानी की बोतल ले ले, काफ़ी प्यास लगी है। यहाँ से हम चलेंगे वापस ग्राउंड में, वहाँ पे मसाल सूट खाएंगे हम, ठीक है। काफ़ी भूख लगी है, उसको बड़ा मज़ा आता है। अभी मसाल सूट ले रहा है उमर, फिर चलते हैं ग्राउंड में, वहाँ थोड़ा बहुत खा लेते हैं, भूख लगी है काफ़ी, फिर चलेंगे घर, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे आराम से। वही था चलिए जी, तो कॉलेज वगैरह खत्म हो गया, फटाफट चलते हैं घर। वहाँ मामू फोन कर रहे हैं, एक्चुअली मेरे को कह रहे हैं कुछ बारामूला जाना है, तो चलते हैं फिलहाल जल्दी जल्दी, ठीक है। घर पे कोई नहीं है भाई, चलते हैं मामू के, वहीं चाबी होगी लगभग। हाँ जी, तो फिलहाल बैंक से काम निपटा के आ गए, काफी ज्यादा टाइम लग गया। बैंक पे टाइम देख सकते हो, ठीक है, 6:25 हो गए। मैं लगभग 3 बजे निकला था घर से, सॉरी कॉलेज से, काम के लिए, मामू ने जिस काम के लिए भेजा था, तो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। उसके बाद हम वहाँ से आए, एक्चुअली मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था, ठीक है, तो उस वजह से मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। तो बैंक के बाद हम काफ़ी सारे मतलब सामान लाना था घर के लिए, तो वो सब लाने गए थे, उसमें भी टाइम लग गया काफ़ी। फिर अभी यहाँ कज़न ने फ़ोन किया कि उसको यहाँ बारामूला से लाना था, तो फिर वहाँ गाड़ी लेके चला गया। फिलहाल चलते हैं, RTO का वो काम जो था मैं कह रहा था सुबह, वो निपटाते हैं। शायद वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं भी एक बंदे के पास गया, उन्होंने कहा कि साइट बिजी है, तो उस वजह से नहीं हो पाएगा, बट फिर भी वो ट्राई देंगे हम। और गाड़ी में भी तेल भराना है, वो भी भरा के आएंगे,
और देखते हैं क्या सीन रहता है आगे, ठीक है, जो जो रहेगा बता देंगे। फिलहाल चलते हैं पेट्रोल भराने, फिर मिलते हैं आपसे। चलते हैं जी, पहले एटीएम पे थोड़ा कैश निकालना है, ठीक है। चलिए जी, तो तेल वगैरह भी भरा लिया और थोड़ा फॉर्म भरना था मेरे को एक, तो वो हुआ नहीं काम। एक्चुअली साइट बिजी थी काफ़ी ज़्यादा, तो अब भैया ने बोला कल आना, तो अब कल जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं घर, लेट हो गया काफ़ी। हाँ जी, तो फिलहाल अभी घर आ गए और टाइम आ गया इस व्लॉग को यहीं एंड करने का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं किसी और व्लॉग में, टिल देन गुड बाय एंड स्टे सेफ।